Hello everyone, I'm Ekta Mate from Autonomous PG College Chhindwara, M.Sc final year student. आज हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम का प्रैक्टिकल देखेंगे कैसा होता है. पहले हम देखते हैं डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है. डी मॉर्गन थ्योरम का यूज़ हम लोग बुलियन अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए करते हैं. डी मॉर्गन ने हमें दो थ्योरम दी थी, थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम सेकेंड. थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के. यहाँ ए और बी इनपुट सिग्नल्स हैं. सेकेंड थ्योरम है ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग लॉजिक गेट्स का यूज़ करते हैं. थ्योरम फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट को दिखाने के लिए हम लोग एक और गेट और एक नॉट गेट का यूज़ करते हैं. इसके सेकेंड पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट को दिखाने के लिए हम लोग दो नॉट गेट और एक एंड गेट का यूज़ करते हैं. थ्योरम सेकेंड को हम देखते हैं. थ्योरम सेकेंड के लिए ए डॉट बी के होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. इसका ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट दिखाने के लिए हम लोग एक एंड गेट एक नॉट गेट का यूज़ करते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट दिखाने के लिए हम लोग दो नॉट गेट और एक और गेट का यूज़ करते हैं. अब हम देखेंगे कि इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे करते हैं. इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें डी मॉर्गन ट्रेनर और कनेक्टिंग वायर्स का यूज़ लगेगा. ये हम देख सकते हैं एपरेटस में. यह हमारा इनपुट सेक्शन है, यह हमारा वर्किंग सेक्शन है, यह हमारा आउटपुट सेक्शन है. इस थ्योरम को हम लोग ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे. यहाँ से हम लोग इनपुट देंगे, यहाँ वर्किंग सेक्शन है और ये आउटपुट सेक्शन है. हम लोग ट्रुथ टेबल देख सकते हैं. हम लोग 00 इनपुट देंगे तब हमें LHS के लिए A प्लस बी के होल कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें आउटपुट 1 मिलेगा. इनपुट सेक्शन में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इनपुट देंगे, ये वर्किंग सेक्शन है, यहाँ से हम लोग आउटपुट लेंगे. यहाँ पे A प्लस बी का हमें मिलेगा और नॉट गेट से हमें आउटपुट में A प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग 00 इनपुट देते हैं तब हमारी LED ग्लो कर रही है. LED ग्लो करने का मतलब है हमें इनपुट हाई मिल रहा है. जब हम इनपुट 01 देंगे तो LED ग्लो करना बंद हो जाती है. आप देख सकते हैं जब हम इनपुट 10 देंगे तभी LED बंद रहेगी हमारी आउटपुट सेक्शन में. जब हम इनपुट 11 देते हैं तब भी हमारी LED ग्लो नहीं कर रही है. ये हमारा LHS का पार्ट है. इसमें आप ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं हमें मिला है 1000. इसका अब हम लोग RHS पार्ट प्रूफ करेंगे जिसके आउटपुट में भी हमें 1000 लाना है. RHS पार्ट प्रूफ करने के लिए हमें दो नॉट गेट और एक एंड गेट का यूज़ करते हैं. हम लोग देख सकते हैं इस प्रैक्टिकल में जब हम लोग इनपुट 00 दे रहे हैं तब आप देख सकते हैं LED ग्लो कर रही है, हाई इनपुट मिल रहा है. जब हम 0 और 1 दे रहे हैं तब आप देख सकते हैं LED ग्लो नहीं कर रही है. 1 और 0 देने पर LED ग्लो नहीं कर रही है. दोनों हाई इनपुट 1 1 देने पर भी LED ग्लो नहीं कर रही है. तब हम देख सकते हैं ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हमारा A प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आउटपुट इक्वल आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल में. ये हमारी थ्योरम सेकंड प्रूफ होती है. थ्योरम सेकंड को प्रूफ करने के लिए सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं ये हमारा वर्किंग सेक्शन है. ये हमारा a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट के लिए ये सेक्शन यूज़ करा है. ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने ये सेक्शन यूज़ करा है. सिमिलरली आप फर्स्ट थ्योरम के जैसे सेकेंड थ्योरम में इनपुट दे के आउटपुट गेन कर सकते हैं. इसका ट्रुथ टेबल आप देख सकते हैं. इसके ट्रुथ टेबल में ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट में आपको मिलेगा 1110. RHS में आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को जरा 1110. इससे हमारी थ्योरम प्रूफ होती है. थैंक यू.